आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले फटाफट से जुड़िए सारे बच्चे, एसएससी का टेंटेटिव कैलेंडर आ चुका है। 1 अक्टूबर से लेके 31 अगस्त 2021 यानी कि टोटल 10 महीनों का अपना सिलेबस जो टेंटेटिव कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है, जिसके अंदर सीएचएसएल की जो परीक्षाएं होने वाली है वो 12/10/2020 को होने वाली है। और यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा इशारा करके बता दूँ तो ये पूरा का पूरा कैलेंडर आपके पास आ चुका है और ये मैं आपको पढ़ पढ़ कर सुना रहा हूँ इस समय। सबसे पहली जो बात है, सीएचएसएल 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर होना है। उसके बाद सीजीएल का टीयर टू होना है 2 नवंबर से 5 नवंबर। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ामिनेशन है वो होना है 16 नवंबर से 18 नवंबर। फिर सीजीएल का टीयर थ्री होना है 22 नवंबर को। फिर आपका सीपीओ का पेपर होना है 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में, सीपीओ टीयर वन। कांस्टेबल का जो पेपर होना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, वो 27 नवंबर से 14 दिसंबर। और फिर सीएचएसएल का टीयर टू की भी डेट दे दी है, 14 फरवरी की डेट दी है, वैलेंटाइन डे है उस दिन। और उसी दिन आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी पेपर है। और साथ ही साथ सीपीओ का टीयर टू का पेपर 26 मार्च को बताया है। स्टेनो 2020 की वैकेंसी आ चुकी है 29 से 31 मार्च। अगले साल का जो सीएचएसएल है टीयर वन जो होना है वो होना है 2020 का 6/11 को उसके फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे और 12 अप्रैल को उसका पेपर होगा अगली साल। और अगली साल का जो सबसे बड़ा पेपर है सीजीएल का पेपर, सबसे बड़ा पेपर जो है वो सीजीएल का पेपर है, वो 31 दिसंबर 2020 को फॉर्म आएंगे 31 दिसंबर 2020 को। और उसकी फॉर्म की क्लोजिंग डेट है 25 जनवरी 2021 और उसका एग्ज़ाम होगा 29 मई से 7 जून 2021। इसका मतलब अगर मैं आज के हिसाब से देखूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जून में, मई एंड में आपका पेपर होना है। 5 और 3 8 महीने आपके पास पड़े हुए हैं और अगले साल इसी महीने के अंदर आपके पास, सॉरी, इसी साल के सितंबर मंथ के अंदर आपके पास सीईटी आ जाएगा। और सीईटी में क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसी आएगी, वो आप सबको पता है। और इसी चीज़ के साथ मैं बहुत जल्द आपके साथ सारी चीज़ों के साथ एक बार लाइव आने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे फास्ट, आज हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या इस तरह का कोई कैलेंडर आएगा या नहीं, तो हमें पता चल चुका है कि एसएससी सीजीएल का आपका जो नोटिफिकेशन है वो 31/12/2020 को आने वाला है। साथ ही साथ जो अगले सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो 6 नवंबर 2020 की इंतज़ार करें। जो अगले स्टेनो के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो 10 अक्टूबर को उनका पेपर आने वाला है। और साथ ही साथ सीपीओ का जो टीयर टू होगा 2020 में वो 12 जुलाई 2021 में होगा, जिसका पेपर इसी साल टीयर वन जो पेपर होना है, ठीक है। और एमटीएस की भी पेपर की लिस्ट आ चुकी है, सॉरी, 2 फरवरी 2021 को फॉर्म आएंगे, 18 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे और 1 जुलाई से 20 जुलाई तक ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई है और आज बहुत बेसब्री से सुबह से आप सबको इस चीज़ का इंतज़ार था। एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव कब होगा? डिस्क्रिप्टिव 2018 वाले का तो हो चुका है भाई, उसका रिजल्ट आना है 4 अक्टूबर को। ये डेट तो पहले ही दी जा चुकी है, 4 अक्टूबर संडे को। आकाश भाई, जो 2019 वाले का जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो 22 नवंबर को होना है और ये एंट्री नंबर दे रखा है 7 पे। टीयर 3 सीजीएल का 2019 22 नवंबर 2020 को होना है, ठीक है। सो सारे के सारे बच्चे फटाफट से इस तरह से खबर को वायरल कर दो, सारे बच्चे इस तरह से तैयार हो जाओ। सीईटी आने वाला है, सीईटी के अंदर क्या होगा, कितनी सारी परेशानियां आएंगी, पहला सीईटी सरकार का विफल भी हो सकता है, इससे पहले अपनी तैयारी को इतना बढ़िया कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी के साथ साथ एक आखिरी मौका भी है। मैं बता रहा हूँ आपको, आखिरी मौका भी है। आपने जो तैयारी, जो जोर आप अब तक लगाया है उससे दुगनी तैयारी, दुगना जोर अब लगा दीजिए क्योंकि जुलाई अगस्त के बाद ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसके प्रीलिम्स हो चुके होंगे, उसके बाद जो सारी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी। सीजीएल टाल दिया 2020, नहीं नहीं टाला कहाँ है भाई, 2020 का उसने बता दी है, डेट बता दी है कि
21 दिसंबर 2020 को उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और नोटिफिकेशन के साथ साथ फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जीडी वाला जो है वो रह गया है, बिल्कुल वो आना चाहिए। सीईटी सितंबर 2021 से लागू हो रहा है। पहला सीईटी का जो पेपर होगा जिसमें रेलवे, बैंक और एसएससी तीनों के तीनों एग्ज़ाम मिक्स होकर आएंगे, वो भाई सीईटी जो है सितंबर 2021 से आएगा। सीजीएल 2018 का टाइपिंग कब होगा? 18 का टाइपिंग तभी हो पाएगा ये तो जब 2018 का जो 4 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद होगा अरफुल। CHSL टीयर 1 रिमेनिंग एग्ज़ाम कम होंगे? रिमेनिंग एग्ज़ाम की डेट आ रखी है भाई, ये 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में होने हैं, ये तो बहुत दिनों से डेट आ रखी है। चलिए, सो ये लाइव सेशन था। एक बार फटाफट से सारे के सारे ग्रुप में, पांच पांच ग्रुप के अंदर फटाफट से जोड़ दो इसको, पांच पांच ग्रुप के अंदर जल्दी से जल्दी इसको पांच पांच ग्रुप के अंदर जोड़ दीजिए। एक राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक शेयर का बटन होगा, शेयर कर दीजिए कम से कम पांच पांच ग्रुप के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और आप अपनी बात बताने की कोशिश कीजिए। आखिर आपकी कौन सी तैयारी कम चल रही है या कौन कौन सी चीज़ मिस कर दी है एसएससी ने जिनको अभी ऑपरेशनल टर्म में देना ज़रूरी था। जैसे कई बच्चे कह रहे हैं सीपीओ फिजिकल की डेट नहीं है, सीएचएसएल 18 की टाइपिंग की डेट नहीं है। बहुत बढ़िया, बाकी सारी डेट दे दी है। अगर आप देखना चाहो तो इस वीडियो को शुरू से देखोगे तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन भी आपको दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन आया है वो 6:50 पे आया है और 6:50 पे ही आप मेरे साथ लाइव हो चुके हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, मैं अभी एक घंटे के बाद मैं फिर से भेजता हूँ, फिर से भेजता हूँ ये सारी की सारी बातें। आपके सारे के सारे ग्रीवियंसेस मैंने ले लिए हैं और सारे के सारे ग्रीवियंसेस के साथ मैं बात करता हूँ। एक घंटे बाद मैं फिर से मिलता हूँ इन्हीं चीज़ों के साथ। ठीक है, सो होप फॉर द बेस्ट। चलिए, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। तैयारी में लग जाओ भाई, जितने भी बच्चे हैं तैयारी में लग जाओ। CHSL 18 टाइपिंग और GD वगैरह की डेट नहीं आई है, इसके ऊपर मुझे लगता है हमें फिर से एक बार ट्विटर आंदोलन करना पड़ेगा। CET लागू होगा 2020 में नहीं होगा, 2021 वालों के लिए होगा। किरोड़ी लाल, 2019 का मेंस कब होगा? भाई नवंबर मंथ में होना ही है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, बाय बाय।